का देश, शास्त्रों का देश, गुरुओं का देश, तीर्थों का देश। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। जय भारत, जय भारत। कहीं भी शीश झुका लो, कहीं भी अर्घ्य चढ़ा लो। स्थान है तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। भारत महान मेरा भारत महान है। जहाँ दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है। तीर्थेश्वर सम्मेद शिखर, जय मुक्तेश्वर सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर सुखकारी है, यहाँ पार्श्व की महिमा भारी है। जय पारस, जय पारस देवा। एक बार वंदे जो कोई पशुगति ना होई। कोटि कोटि मुनि राई मुक्ति शिखर से पाई। बीस जिनवरों का यही हुआ निर्वाण है। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है। पाली ताना शत्रुंजय, बंधन करके डर होए अभय। भावनगर के निकट सुपावन अनुपम पाली ताना है। अनुपम पाली ताना है। प्रथम जिनेश्वर आदिश्वर ने इसे परम प्रिय जाना। इसका शत्रुंजय है नाम, इसके वंदन का परिणाम मैटे कर्म शत्रु का नाम। वंदन को जो आए मनवांछित फल पाए। दिव्य यह पर्वत स्वर्ग के समान है। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। तीर्थों का देश मेरा भारत महान है। भारत महान मेरा भारत महान है। जहाँ दृष्टि डालो वही तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ जय विघ्नहरण श्री पार्श्वनाथ। यह भव्य तीर्थ नाकोड़ा है, इसका जग में नहीं जोड़ा है। जय पारस, जय पारस देवा। भैरव यहाँ चमत्कारी चमत्कारी, जिनसे भक्त करे साझे साझेदारी। भक्त जो द्रव्य चढ़ाते
धनवान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, भारत महान मेरा भारत महान है, जहाँ दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है। जय महावीर कुंडलपुर पावापुर वाला चांदनपुर में आया है, चांदनपुर में आया है, टीले के नीचे गोले को अपना पता बताया है, भक्तों की तकदीर। रात अमावस वाली प्रभु से हुई दिवाली, मेरे महावीर पे जन जन को अभिमान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, कहीं भी शीश झुका लो कहीं भी अर्घ चढ़ा लो, जहाँ दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, तीर्थों का देश मेरा भारत महान है, भारत महान मेरा भारत महान है, जहाँ दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है, भारत महान मेरा भारत महान है, जहाँ दृष्टि डालो वहीं तीर्थ स्थान है। किसी राजकुमार के ख्यालों में खोई है हमारी राजकुमारी। अरे इसमें इनका क्या दोष है, ये उम्र ही ऐसी है, काश हमें भी ऐसे स्वप्न आए। तेरा दीवाना तो बाहर खड़ा पहरेदारी कर रहा है, तुझे सोने देगा तो ही स्वप्न आएंगे ना। लगता है कुछ गड़बड़ है, सुभद्रा को लेकर महाराज को सूचित करते हैं। क्या बात है महाराज, आप किन विचारों में खोए हैं? महारानी हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें सुशील और गुणवंती राजकुमारी के माता पिता होने का गौरव प्रदान किया, जिसकी सुंदरता और गरिमा की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई है। ये बात सत्य है महाराज, लेकिन हमें भी अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए, एक अच्छा सा राजकुमार देख कर इसका ब्याह रचा देना चाहिए। आप ठीक कह रही है महारानी, परंतु हमारी राजकुमारी की तरह गुणवान राजकुमार भी तो मिलना चाहिए।
जिससे हम उसका विहार रचा दें। ये बात सत्य है महाराज। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है महाराज। न जाने आज राजकुमारी उदास बगीचे में बैठी हुई है, न कुछ कहती है न किसी बात का जवाब देती है, न जाने किन विचारों में खोई हुई है। अच्छा तुम जाओ, हम पूछते हैं क्या बात है। जी महाराज। क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं पिताजी, कल रात मैंने बड़ा ही भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? कुछ अच्छा स्वप्न नहीं था पिताजी। मैंने देखा हमारे चंपा राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया था। गली गली में लूटपाट, मारकाट, श्रीहरण की घटनाएं शुरू हो गई थी। ये अप्रिय स्वप्न देखकर मैं बहुत चिंतित सी हूँ। पुत्री, स्वप्न कभी सच नहीं होते और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, कौशाम्बी के राजा शतनिक ने हमारे चंपा राज्य पर आक्रमण कर दिया है। परंतु महाराज, शतनिक तो हमारे जीजाश्री हैं, वो ऐसा क्यों करने लगे? मैं सच कह रहा हूँ महारानी जी। देख लिया महारानी, मैं तो प्रारंभ से कहता आ रहा हूँ कि शतनिक घमंडी और लालची है, उसे किसी प्रकार की अच्छाई की आशा करना व्यर्थ है। तुम ही मुझे अपनी बहन का वास्ता देकर रोकती रही हो, परंतु आज मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। महाराज क्षमा चाहता हूँ, यह समय व्यक्तिगत बातें करने का नहीं है, हमें भी तुरंत आक्रमण करना चाहिए। महारानी, आप राजकुमारी को लेकर महल के अंदर जाइए। जी महाराज। सैनिक, युद्ध में चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। जी, हमारे देश पर कौशाम्बी राजा का राज हो चुका है। माँ बहन बेटियों की लाश लुट रही है। आप लोग भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लीजिए, क्योंकि महाराज का कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तुम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। जो आज्ञा महारानी। सुंदर रानी और राजकुमारी। क्यों ना मैं रानी को ही ले उड़ू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता माँ, कि ऐसी विपदा की घड़ी में अब हम क्या करें। व्याकुल होने की कोई बात नहीं बेटी, संकट तो सभी पर आता है,
ये विपत्ति भगवान की देन है और वही हमें इस विपत्ति से उबारेंगे। महारानी की जय हो। तुम कौन हो? मैं चंपा नरेश दद्यावान का एक साधारण सैनिक हूँ। परंतु तुम तो राजा कौशंबी के सैनिक लगते हो और उसी वेशभूषा में हो। अवश्य महारानी, यहाँ पर आने का तो एक ही रास्ता था और ये रास्ता मुझे महाराज ने ही बताया था, क्योंकि महाराज चंपा के जंगलों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आपको और राजकुमारी को यहाँ से निकाल कर ले जाऊं ताकि शत्रु को इस बात का आभास न हो। अब आप देर न करें, संपूर्ण राज्य में शत्रु सेना का अधिकार हो चुका है। ये तो हमारा भाग्य है कि उनकी कुदृष्टि अभी तक हमारे राजमहल पर नहीं पड़ी। आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें महारानी। आओ बेटी, चलो। चलिए। ये हमें कहाँ ले आए सैनिक? महाराज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नीचे आइए महारानी, आज से हम ही आपके महाराजा हैं, क्योंकि आपकी सुंदरता ने मुझे पागल कर दिया। ये क्या बदतमीजी है सैनिक? मैं तुम्हारा नहीं, मैं कौशंबी के राजा का सैनिक हूँ और आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ बैठी रहे। क्योंकि मैं महारानी का दीवाना उसी वक्त हो गया था जब मैंने पहली बार लूटपाट के लिए महल में प्रवेश किया था। मेरी माता जी को छोड़ दो। आज मुझे इस रानी की सुगंध लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बियाबान जंगल का मैं राजा हूँ और ये मेरी रानी। आज मैं देखूं ऐसी इसमें कौन सी सुगंध है जिससे राजा मंत्र मुग्ध हो जाता है। अरे भागती कहाँ हो रानी? मुझे छूने का प्रयास किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? कामांध पुरुष भले ही अपना विवेक खो बैठे, लेकिन एक पतिव्रता नारी कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर तुम्हारा स्पर्श कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आ, 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 आ,
तुमने क्या किया? माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ माँ मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ माँ नहीं, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तुमने क्या किया? माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मैं क्या करूंगी? ये तुमने क्या किया? तेरी वासना के कारण आज एक पतिव्रता नारी को अपने प्राण दिए, एक बेटी को अपनी माँ से अलग होना पड़ा। तुम जैसे नीच मनुष्य को तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, तू ऐसा क्यों किया? मेरी तरफ बढ़ने का प्रयास मत करो सैनी, मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ जिसने अपना संदीप को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग किए। मुझे क्षमा कर दो, मैं नीच और पापी इंसान हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा पाप क्षमा करने के योग्य नहीं है। अरे तुम जैसे पापी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और अब मैं तुम्हारी परछाई से भी दूर रहना चाहती हूँ। क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं वासना की आग में अंधा हो गया था, मैं भूल गया था कि औरत अपना सत्यित बचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देती है। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो बेटी। बेटी, तुम जैसे मनुष्य के सामने माँ बहन और बेटी का क्या महत्व है? ये क्रूरता मैं तुम्हारे चेहरे पे देख चुकी हूँ। तुम सच कहती हो बेटी, मैं क्रूर इंसान था, मगर अब मैं अपने पाप की आग में जल रहा हूँ। मैंने तुम्हारा सहारा छीना है, अब मैं तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, मुझे बाप के धर्म का पालन करने दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं यूं ही रो रो कर तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटी, मनुष्य वही बड़ा होता है जो दूसरों को क्षमा कर दे और उसे प्रायश्चित करने का अवसर दे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों का साथ देते हैं। अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से बेटी माना है तो उठिए पिताजी, मैंने आपको क्षमा किया। ये भी भगवान की एक लीला होगी, क्योंकि आपके पाप ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और आपके प्रायश्चित ने मुझे बाप का सहारा दिया। बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आओ मेरे घर चलो। मगर मेरी माँ के पार्थिव शरीर का क्या होगा? मैं अपने अंदर के छल कपट, वासना और सारे अवगुणों को तुम्हारी माँ की चिता में भस्म कर दूंगा। Oh, my God.
कौशंभी के राजा मेरे मौसा लगते हैं और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस वक्त मैं राजकुमारी की वेशभूषा में हूँ, इसलिए आपसे एक वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहती हो बेटी? यही कि मेरी पहचान कौशंभी राज में पता ना चले। बेटी, मनुष्य को चाहिए कि वर्तमान से समझौता करे। मैं कल तक क्या थी, ये उस वक्त का सत्य था, मगर मैं आज क्या हूं, ये आज का सत्य है। और आज का सत्य ये है पिताजी कि मैं आपकी धर्म बेटी हूं और आप मेरे धर्म पिता हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी, चलो। चंपा की विजय की यात्रा के पश्चात महल में पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वे आपके कक्ष में पदार्पण करने वाले हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी महारानी। महाराज की जय हो। ऐसी क्या भूल हुई कि हमारे कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात हमारे राष्ट्रीय विधान के अनुसार आपने हमारा अभिनंदन नहीं किया? इसे मैं धृष्टता समझू या आसक्ति भरा क्रोध? प्रणाम महाराज। अब मैं सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी प्यारी के मन में मेरी अनुपस्थिति का क्लेश है या ये आभूषण आपको कम लग रहे हैं? ये आभूषण आप जिस राज्य को हरा कर लाए हैं, उस राज्य की रानी मेरी बहन और राजा मेरे जीजाश्री हैं। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि हमारी बहन जीजाश्री और उनकी चंद्रमा जैसी रूपमती इकलौती कन्या राजकुमारी वासुमती का क्या परिणाम हुआ। ये अलंकार आभूषण उसी राज्य के है ना महाराज? इन आभूषणों से मुझे मेरी बहन और वासुमती के अंतर्नाद सुनाई पड़ रहे हैं महाराज। ये भी आपके जीजाजी का ही दोष है जिन्होंने हमेशा मुझे छोटा समझने की भूल की। वे भूल गए कि राजा छोटा बड़ा नहीं होता, राजा तो राजा ही होता है।
परंतु इसका ये अर्थ तो नहीं कि आप उनका राजपाट ही उजाड़ दो। रक्त संबंधों में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है महाराज। अब और अधिक तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। मेरा अभिप्राय उनका राज्य लूटना था, उनको शारीरिक कष्ट पहुंचाना नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। सारे राज्य में चारों तरफ एक ही बात फैली हुई है कि महाराज, महारानी और राजकुमारी का कहीं भी अता पता नहीं है। जाने कहां भटक रही बेटी, तुम्हारा घर आ गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी धर्म मां से मिलवाता हूं। यहां तुम्हें असुविधा तो हो सकती है क्योंकि ये राजमहल तो है नहीं और ना ही यहां तुम्हें दासियां मिलेंगी। तो क्या माता पिता का स्नेह और प्यार तो मिलेगा? ये क्या बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये आंसू देखकर मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगती है। बेटी, ये आंसू मत बहाओ, अन्यथा मैं समझूंगा कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। नहीं पिताजी, ये तो मेरी प्रसन्नता के आंसू हैं। देखो भगवान की लीला, जिसने मुझसे सब कुछ छीन कर भी आप जैसा पिता दिया और अब माँ भी दे रहा है। माँ के आंचल की छाव में मैं सब कुछ पालूंगी। माँ की गोद से बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं होता। बेटी, आप आ गए। मैं तो तुम्हारी राह देख देख कर थक गई। नगर के सैनिक घर लौट के आ गए और उन्होंने अपने घर हीरे जवाहरात से भर दिए। मेरे लिए क्या लाए हो? और ये कौन है? देखो, जिसका अभाव था हमारे घर में वही चंपा नगरी से मैं लाया हूँ। और उन्होंने तो जवाहरात हीरे मोती लूटे, पर भगवान ने मुझे अनमोल हीरा दिया है। आओ बेटी, तो मैं तुम्हारी धर्म माँ से मिलवाऊं। यह है तुम्हारी धर्म माँ। देखो, हमें भगवान ने संतान धर्म से वंचित किया था, सो ये मिल गई और राजा की बग्घी भी। अब तुम इनको और ले आए। जो भी तुम कमाते हो उसी में ही बड़ी कठिनाई से भरण पोषण होता है। संकट में ही दिन कटते हैं, ऊपर से इनका बोझ कौन उठाएगा? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तुमसे मेरा ब्याह हुआ। भगवान, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे बेटी बेटी कुछ नहीं चाहिए। देखो, बेटी भी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तुम इसे अपना लो। मैंने कहा ना, मुझे हीरे जवाहरात ही चाहिए। माती, इसमें कुछ हीरे जवाहरात हैं, आप रख लीजिए। मुझे सब ज्ञात है, तुम इसे बेटी बनाकर लाए हो ताकि आराम से रंग रलिया मना सको। तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इस अबला के बारे में भी सोचो जो बेसारा थी और अब मेरी बेटी है। मैं तुम्हारी नस नस से परिचित हूँ। मैं इसे और तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी जब तक मुझे 1,00,000 सोने की मोहरे नहीं मिल जाती। कहाँ से लाऊं 1,00,000 सोने की मोहरे? क्यों, ये इतनी सुंदर है, ये अवन कूट कूट कर भरा है, किसी राजकुमारी से कम थोड़े ही लगती है। कोई भी धनवान इसका मोल दे देगा। लगता है तुम पागल हो गई हो। चुप हो जाओ अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या? अरे सीता, मंगला, सत्य हो, ये इसके लिए मुझे जान से मारना चाहता है।
आप मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए, मुझे बाजार में बेच दीजिए, यही मेरे भाग्य में लिखा है। बेटी, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारे तन मन धन से रक्षा करूंगा। आपने तो अपने पिता धर्म का पालन पूरा किया, अब मुझे अपने पुत्री धर्म का पालन करने दीजिए। तुम कुछ समझती क्यों नहीं हो? बस मैंने कहा ना, इसे यहाँ से ले जाओ और मुझे सोने की मोहरे ला कर दो। चलिए। क्या बात है? मैं इसे बेचना चाहता हूँ। क्या मोल चाहिए? 1,00,000 सोने की मोहर है। 1,00,000 सोने की मोहर? अरे 1,00,000 सोने के मोहरों में तो राजकुमारी जैसी मिल जाएगी, क्या ये राजकुमारी नहीं है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं राजकुमारी भी कभी बिकती है? इसे कहीं और ले जाकर बेचो। खूबसूरती, इसे तो सजाकर अगर मैं कोठे पे बिठा दूं तो लाखों मोहरे कमा सकती हूं। क्या है? 1,00,000 मोहरे। हीरे का मूल्य जौहरी ही दे सकता है। तुम अपने अधिकारों को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मूल्य चुकाऊंगी। ये लो 500 मोहरे हैं, शेष मेरे घर पर चलो, वहां पर जाके चुका दूंगी। माता जी, आप मुझसे क्या काम करवाएंगी जो आप मेरा इतना मोल दे रही हैं? मैं सिर्फ घर का कामकाज कर सकती हूँ, मगर उसमें भी निपुण नहीं हूँ। मैंने कहा ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी जानता है। अरे काम करे तुम्हारे दुश्मन,
तुम जैसी सुंदर कन्याओं का काम सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहनकर सज संवर कर लोगों को मोहित करना है। कुछ समझी? जो मैं तुम्हारी उम्र में किया करती थी। तुम चाहो तो मैं इस नगर की सबसे बड़ी नगर वधू बना सकती हूँ। नहीं नहीं माते, आप मेरे ऊपर इतना अन्याय मत कीजिए, मेरा धर्म भ्रष्ट मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। आप मुझे मत खरीदिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। जब भगवान को ये पसंद नहीं था कि तुम्हारे इस सुंदर शरीर को किसी एक के हाथ में सौंप दे, तो तुम हट क्यों कर रही हो? बेटी, जहाँ प्रतिबंध होता है वहीं दुख होता है, इसीलिए मैंने अपने यहाँ से प्रतिबंध हटा दिया है। तुम्हारा मन जो चाहे वही करना, ऐश्वर्य ही जीवन है। माता जी, अधर्म फैलाने वाला कभी सुख चैन से नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में अगर प्रतिबंध न होता तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। चुप! 2 टके की बाजार में बिकने वाली दासी मुझे ही छलना चाहती है? नादान छोकरी, मेरे साथ सीधी तरह से चल, वरना मैं बलपूर्वक ले जाऊंगी। ये लीजिए अपनी मोहरें, मुझे नहीं बेचना, मुझे नहीं बेचना। मोल भाव हो चुका है, मोहरे तुम ले चुके हो, अब ये मेरी है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, मोल भाव हो चुका है, क्यों भाइयों? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उठा लो इसे। क्षमा करना देवी, मुझसे भूल हो रही थी। तुम्हारी दया से मेरे कुविचारों पर प्रतिबंध लग गया। ये लो अपनी मोहरें।
चलो बेटी अब घर चले। नहीं पिताजी, क्या मेरे भाग्य में इतना भी नहीं लिखा है कि मैं अपने आप को बेचकर अपनी धर्म माँ की इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारे सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि प्रहार करने वाले से प्रहार सहने वाले में अधिक शक्ति होती है। पिताजी, मेरी माता जी कहा करती थी कि जब कभी भी मनुष्य पे विपदा आए तो उस विपदा को जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य। अतः हम लोगों को भी उसी धैर्य से काम लेना चाहिए। लगता है यहां पर कोई तूफान आया था। ये असहाय सी कन्या, इसने अवश्य ही किसी उच्च कुल में जन्म लिया होगा। समय ने लाकर इसे कहां विक्रय हाट पर खड़ा कर दिया। कहिए महोदय, क्या मूल्य है? 1,00,000 मोहरे। ये लो। मैं आपकी क्रय की हुई दासी तो हूं, परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन? बेटी, तुम्हें हाट में इस अवस्था में देखकर मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाग्य ने छल किया है, परंतु एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मनुष्य का सहायक बनूं। आप मुझे किस रूप में स्वीकारेंगे? अभी अभी भगवान के घर से आ रहा था, मेरे कोई संतान तो है नहीं। भगवान के घर संतान मांगने गया था, परंतु मुझे क्या मालूम, ईश्वर इतना दयालु है कि वापसी में ही तुम जैसी पुत्री को मिला देगा। बेटी, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया पिताजी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, मुझे और लज्जित ना करो। आप मेरे धर्म पिता हैं। मैं अपने आप को कुंठित कर सकती हूँ, मगर मेरे धर्म पिता को नहीं, और ना ही मेरी धर्म माता को। बेटी, चलिए, एक दासी अपने जजमान की सेवा में प्रस्तुत है। दासी नहीं पुत्री, एक बेटी अपने पिता के घर जा रही है। पिताजी, तुम्हारे लिए पुत्री लाया हूं, इसका ध्यान रखना, इसे किसी भांति कष्ट ना पहुंचे। बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। अच्छा, मुझे राज दरबार में बुलाया गया है, मैं संध्या तक वापस आऊंगा।
पिताजी, पिताजी। बैठो बेटी, बैठो। बेटी, तुम्हें यहां आए इतने दिन हो गए, परंतु मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं मालूम। पिताजी, मेरे दो नाम हैं। मेरे माता पिता मुझे वासुमती कहके बुलाते थे, मगर मेरे दादाजी मुझे चंदन बाला कहके बुलाते थे। आपको जो अच्छा लगे उस नाम से पुकार सकते हैं। बेटी, तुम इतनी नम्र और मनमोहक विचारों की हो जैसे चंदन की लकड़ी, इसीलिए मैं तुम्हें चंदन बाला ही कह के पुकारूंगा। बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं यूं ही पुराने विचारों में खो गई थी। जब मेरे दादाजी मुझे चंदन बाला कह के बुलाते थे और बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उस नाम के पीछे भी बहुत बड़ा संदेश था। वो क्या है बेटी? कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, उसे चंदन की तरह नम्र और शांत रहना चाहिए। तुम महान हो बेटी, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। तुम गुणों से भरी जीती जागती एक मूरत हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं बेटी। क्या बात है प्राणनाथ, आजकल आप गृह में प्रवेश करते ही किसी और को नहीं केवल दासी को ही पुकारते हैं। क्या आप मेरा नाम भूल चुके हैं या फिर हम सब परित्यक्त हो गए हैं? आजकल सायंकालीन भोजन भी आप दासी के परोसने पर ही स्वीकार करते हैं। ये अचानक एक क्रय की हुई दासी से आपको इतना लगाव कैसे हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? दासी हमारी पुत्री समान है। आज से उसका नाम चंदन बाला है, चंदन बाला। और जब से चंदन बाला हमारे परिवार में आई है, मुझे तो मेरा घर हरा भरा सा लगता है। और तो और, मेरे व्यवसाय में भी लाभ की मात्रा बढ़ी है। अब तू खांसती रहेगी या आटा बनाएगी? जल्दी से रोटी बेल। तुझसे काम होता नहीं है फिर भी काम करने चली आती है, पता नहीं तेरे मन में क्या लालसा है। अरे महाराज, मेरा है ही कौन जो मेरी देखभाल करेगा? यदि काम नहीं करूंगी तो जीप का कौन देगा? बस थोड़ा सा खाके यही कोने में पड़ी रहूंगी। स्वयं आपका कार्य पूर्ण कर दूंगी। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। आपको रसोई के द्वार पर देखकर वास्तव में मैं बहुत चकित हूँ। तुम देख रही हो ना, चंदन बाला हर कार्य में कितनी निपुण है। इसके स्वभाव और व्यवहार ने हमारे संपूर्ण घर को मुक्त कर लिया है। उसकी शील की सुगंध और शीतलता ने उसके चंदन बाला नाम को सार्थक किया है।
आपको विरक्त किया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। परंतु मेरे मन में जो संशय पनप रहे हैं उनका समाधान किए बिना भी तो शांति नहीं। एक क्रय की हुई दासी को इतना प्रोत्साहित करने का कारण, यथार्थ में तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि चंदना के माता पिता हैं कौन, वो कहाँ की वासिनी है। वो एक दासी है, इस घर की सदस्य नहीं। तुम भूल रही हो मुला, दासता और सेवा में अंतर है। दासता मन का मैल और सेवा आत्मा की प्रतिध्वनि होती है। चंदन बाला सेविका है, जो नारी जाति का अधिकार है। नारी तुम भी हो और मैं उसे इस अधिकार से कदापि वंचित नहीं कर सकता। श्याम सुंदर, रुक्मणी, श्याम सुंदर, रुक्म। पिताजी, आपके शीघ्र आने का कारण? बेटी, हमें आज संध्या को 3-4 दिवस के लिए कार्यवश नगर में जाना है, परंतु इस घर के सारे सेवक कहाँ हैं? मेरे पांव माटी से मलिन हो गए हैं। बेटी, किसी सेवक को आदेश दो कि वे किंचित जल लाएं। अरे बेटी, ये कष्ट तुमने क्यों किया? किसी सेवक से कह देती। वो पुत्री भाग्यवान होती है पिताजी, जो अपने माता पिता की सेवा करने की इच्छा पूर्ण करती है। परंतु तुम जैसी सती साध्वी पुत्री से ऐसा तुच्छ कार्य किस प्रकार करने की आज्ञा दूं? सेवा कार्य में कोई तुच्छ और महान नहीं होता पिताजी, और जो इसकी मान्यता देता है वो सेवा धर्म से अनभिज्ञ है। जुग जुग जियो, भगवान तुम जैसी पुत्री हर इंसान को दे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब जो करना है शीघ्र करना है। यदि इसे घर से निकाल दूं तो सेठ जी उसे किसी दूसरे मकान में रख देंगे, फिर तो मेरा उस पर कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। कल से अपने पति की सेवा मैं खुद करूंगी। पर यह भी सत्य है कि यदि मूला को जीवित रहना है तो चंदन वाला को मिटाना ही होगा। 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 स्वामी बाहर जाने वाले थे, कहीं चले तो नहीं गए? बेटी, अपनी माते का और इस घर का ध्यान रखना, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। जीती रहो। रुक्मणी, श्याम सुंदर, देखा तुमने चंदन बाला को कैसे मेरे स्वामी पर डोरे डाल रही है और इस घर की मालकिन बनने के स्वप्न देख रही है। लेकिन मैं उसके षड्यंत्र को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम दोनों इस बात के साक्षी रहना। ये कैसी बात करती हो मालकिन? वो तो एक देवी है जो सबका सुख दुख में साथ देती है। वो जिस घर में भी रहेगी वो घर खुशियों से फलता फूलता रहेगा। ऐसी बेटी तो भगवान लोगों को मिलती है और आप उस पर लांछन लगा रही हैं। अरे, वो मालिक को पिता और आपको माता मानती है मालकिन। उसने तुम दोनों को भी अपने वश में कर लिया है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। चंदन बाला, अरे ओ चंदन बाला, मैंने यहाँ कल कुछ पुराने कपड़े रखे थे, मुझे वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। माँ जी,
वो कपड़े तो फटे पुराने थे, इसलिए कल मैंने एक भिखारी को दे दिए। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं भिखारी को दोगी, क्योंकि तुम तो इस घर की मालकिन बनने के स्वप्न जो देख रही हो। ये सारा सामान क्या तुम्हारे पिता ने दिया था? लेकिन मैं तुम्हारे इस षड्यंत्र को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आप कैसी बातें कर रही है माते? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा ठीक है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मालकिन आप? मालकिन आप? मुझे आज अपने मायके जाना है, तुम दोनों भी अपने अपने घर जाओ। क्या? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? मालकिन हम पर दया करो। मालकिन मैं इस बीमारी की अवस्था में कहाँ जाऊंगी? इतने बरस हो गए, आज तक इस घर से बाहर कदम भी तो नहीं रखा। मालकिन मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम दोनों चाहे कहीं भी जाओ, मुझे आज अपने मायके जाना है और मैं तुम दोनों के भरोसे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझे? चलो जाओ यहाँ से। मालकिन, मालकिन। आज मैं तुझे अपने पति पर डोरे डालने का ऐसा दंड दूंगी जिसे तू जीवन भर याद रखेगी। तेरे ये रानी जैसे बाल जिसे मेरे पति सहलाते रहते हैं, आज मैं इन्हें ही काट दूंगी। माते, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। आज मैंने तुम्हारी सारी सुंदरता समाप्त कर दी है। माते, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपको जो मेरे बाल काटकर प्रसन्नता हुई है उसे देखकर मैं धन्य हो गई। धन्य हो गई? आज तो तेरे सारे बल मैं निकालूंगी।
चंदन बाला को तो मैंने कमरे में बंद कर दिया। कल को लोग मुझसे चंदन बाला के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इससे अच्छा है कि मैं अपने मायके ही चल जाऊं। की व्यथा या कुंठा को जान सकता हूं? मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। क्या कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है? मेरी स्थिति उस पंछी की जैसी है जो पिंजरे में बंद फड़फड़ा रहा है और यदाकदा चहक भी लेता है। महाराज, यदि मैं आपको आपकी महारानी होने के नाते राज्य के संबंध में कोई सलाह देती हूँ तो आप मुझे यह कहकर टाल देते हैं कि शासक और शासन के गूढ़ रहस्यों में मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मैं आपके संशय से अभी भी अज्ञान हूँ। मेरी बहन धारिणी, उसकी इकलौती बेटी वासुमती तथा मेरे जीजाश्री का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है और मुझे ज्ञात हुआ है कि चंपा नगरी के राजमहल संपूर्ण रूप से रिक्त पड़े हुए हैं। महाराज, क्या मेरे पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य नहीं कि आप मेरे सगे संबंधियों का ध्यान रखें? मैं आज ही अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजकर आपकी शंका का समाधान करूंगा। अब तो आप निश्चिंत हुई या कुछ और भी कहना चाहती हैं? आपसे एक अनुरोध है, यदि आप उचित समझें तो कुछ प्रयत्न करें। हमारे राज्य की गरिमा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। कहिए। महाराज, क्या आपको पता है कि इन दिनों भगवान महावीर कहाँ हैं? मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैं इच्छुक हूँ। भगवान इन दिनों हमारे ही राज्य में विराज रहे हैं। भगवान की उपस्थिति हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। किंतु मैं ये जानकर उदास हो गई हूँ कि भगवान पिछले 6 माह से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तपस्या कर रहे होंगे
तपस्या कर रहे होते तो वे पारणा के लिए बाहर नहीं निकलते, पर वे प्रतिदिन अनेक घरों में जाते हैं और पारणा लिए बिना ही वापस आ जाते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य जर्जर हुआ तो हमारे राज्य पर विपदा आ सकती है और मैं लज्जावश अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज, यदि आपसे कुछ हो सके तो इसका कोई उपाय निकालिए। चंदन बाला, बेटी चंदन बाला, रुक्मणी, श्याम सुंदर, चंदन बाला, मूला, चंदन बाला। पिताजी, मैं यहां हूं। पिताजी। अरे ये ताला, बेटी अंदर, बेटी मैं आता हूं, अभी आता हूं। बेड़िया मुझसे नहीं खुल सकती बेटी, बहुत भूख लगी है पिताजी। अच्छा, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। इस घर में कुछ और है नहीं, तुम ये थोड़ा सा भोजन करके जल ग्रहण कर लो, मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूं और तुम्हारी ये बेड़ियां खुलवाता हूं। हाँ। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करता हूं। आज तक तूने बिना भिक्षा दिए भोजन ग्रहण नहीं किया, तो आज तुम भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हो? Bye.
मैं कितनी पापिन हूँ। मैंने एक पवित्र लड़की पर गंदे लांछन लगाए, कितना दुख दिया। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे अभी इसी समय उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वो बहुत दयालु है, मुझे अवश्य क्षमा कर देगी, अवश्य क्षमा कर देगी वो। ऐसी पवित्र स्त्री पर इतने गंदे लांछन लगाए। ये कैसी बात कर रही हैं माताजी? आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी, और कभी माँ अपनी बेटी से क्षमा नहीं मांगती। इन्हीं कष्टों के तो कारण मैं भगवान महावीर को पा सकी हूँ। तुम सचमुच महान हो बेटी, तुम चंदन की तरह नम्र और शांत हो, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने इतना घृणित कार्य किया है जो एक पतिव्रता नारी को सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इस देवी को समझने में भूल हुई, मेरी आंखों पर संदेह का पर्दा पड़ चुका था। आप ही इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्योंकि मैं तो इनकी आभारी हूँ, क्योंकि जो रूप इन्होंने मुझे दिया था उसी रूप में भगवान महावीर ने पारणा ग्रहण कर ली थी। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में भगवान महावीर ने धनवा की बेटी चंदन बाला के हाथों पारणा प्राप्त की है? यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमें आज ही धनवा के घर जाकर चंदन बाला के दर्शन करने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, इस कार्य में हमें बिल्कुल विलम्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है महारानी, आइए चलिए। चलिए महाराज। चंपा नगरी के राजा दधियावन की पुत्री राजकुमारी वासुमती है, अपनी वासुमती। महाराज तुम ठीक कह रही हो महारानी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मैंने लोगों के कहने पर चंपा राज्य पर आक्रमण कर दिया था। मेरे साथ अभी और इसी समय चलो, अपना राज्य और मेरा राजपाट संभालो। उस आक्रमण के पश्चात मैं कभी सुख शांति से नहीं रह पाया, ना ही मैंने संतान का सुख पाया। आज के बाद तुम चंपा राज्य और कौशम्बी की राजकुमारी कहलाओगी, यही मेरा प्रायश्चित है। ये कभी नहीं हो सकता महाराज, मेरी विपदा में मेरे पिताजी ने ही मेरा साथ दिया।
मैं तो इनकी आभारी हूँ। अब मैं इनकी शरण में इन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती महाराज। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तो स्वयं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने के कारण भगवान महावीर स्वामी के चरण यहाँ पड़ने से मेरा घर पवित्र हो गया। आप इनको समझाइए कि मेरे साथ मेरे महल चलें। मेरे कारण इनको जो कष्ट हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है महाराज। उन्हीं कष्टों के तो कारण मैं भगवान महावीर को पा सकी हूँ। आपके आक्रमण ने तो मुझसे मेरी माँ को सदा के लिए छीन लिया। हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी को ढूंढ निकालिए और उन्हें उनका राज्य वापस सौंप दीजिए। और रही बात मेरी, मैं तो हमेशा के लिए भगवान महावीर के चरणों में साध्वी बन के रहना चाहती हूँ और मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। ये कार्य तो आप मेरे महल में रहकर भी कर सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके साध्वी बनने में कोई रुकावट नहीं करेगा। आज मैं एक बहुत अच्छा समाचार लेकर आई हूँ। क्या समाचार माताजी? यही कि भगवान महावीर पावापुरी के बगीचे में नामदान दे रहे हैं और लोग उनके दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा भी यही संकल्प था ना बेटी, कि तुम भगवान महावीर के चरणों में गिरकर मोक्ष प्राप्त करो। मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ माताजी, जो आज आपने मुझे इतना अच्छा समाचार सुनाया। मैं अभी पावापुरी जाती हूँ। Thank you.